अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट व्लॉग, अगला व्लॉग क्या बोलते हैं। आज मैं और मम्मा जा रहे हैं शॉपिंग पे, हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। ये व्लॉग मेरे जो इसके बाद जो आने वाला व्लॉग है उससे लिंक्ड है। हम शॉपिंग पे इसीलिए जा रहे हैं, कुछ लेने, कपड़े लेने जा रहे हैं हम लोग, मैं और मम्मा। और मम्मा बताऊँगी नहीं कि हम किसके लिए लेने जा रहे हैं, क्यों लेने जा रहे हैं, जब मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें बताऊंगी मैं, ठीक है। तो अभी मैं सुबह में शूट करना भूल गई और मुझे अभी याद आया कि अरे यार शूट करना है, मैं नहा चुकी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहा के शूट कर लेते हैं। तो अभी मैं नहा ली, अभी मुझे रेडी वगैरह होना है, बस मैं नहा के जस्ट बाहर ही आई हूँ और मैंने शूट करना शुरू करा है। अब मैं नहा ली हूँ, नहा के रेडी होंगी। आज मम्मा के साथ मैं आउटफिट चेक दूँगी अपना। नहा के तैयार होके हम लोग जाएंगे। नाश्ता वास्ता सब मैंने, सब कुछ मैंने कर लिया, बस मुझे नहा के निकलना है अभी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से मेरी मम्मा के साथ। तब तक के लिए बाय। तो हाँ गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी, बिल्कुल तैयार हो गई हूँ मैं जाने के लिए। मम्मा भी रेडी हैं और हम लोग अपना आउटफिट चेक देंगे मम्मा के साथ। तो देखो तुम लोग भी, मामा और मैं बिल्कुल हो गए रेडी, है ना मामा। चलो अभी थोड़ी देर बाद मैं जब निकलूंगी फिर दिखाऊंगी, ठीक है। बाय, निकल रही हूँ मैं, बाय। हम लोग आ गए हैं EDM। मम्मी ताकू क्यों बनी है दोबारा? क्योंकि तुझे लूटा ना मैंने यार, तुम मुझे रोज क्यों करती रहती हो? और हम लोग EDM आए हैं, यही आनंद विहार वाला ईस्ट दिल्ली मॉल। तुम्हें चलना क्यों नहीं पसंद भाई मेरी तरह? ये टॉक्सिक ट्रेट मेरे को मेरी मम्मी से मिला है कि मुझे जो चलना नहीं पसंद उनकी वजह से नहीं पसंद। ऐसा है, तू आलसी है। मैं आलसी नहीं हूँ। हमेशा मुझसे आगे रहती हैं। मैक्स हमारा शायद ऊपर है, सेकंड फ्लोर पे। क्या लग रहा है? दिवाली की तैयारी। दिवाली के लिए शायद। ये मॉल पता है बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, पहले नहीं था ऐसा, तो बहुत अच्छा हो गया। चले ऊपर। खोल दिया, खोल दिया। मम्मी उन्होंने मैकडी बंद कर दिया, पता नहीं, देखना काम चल रहा है। मुझे क्या खिलाओगे? पोपट हुआ है हमारा दोबारा, सेकंड टाइम। हम लोग आज बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए हैं और एज यू कैन सी मैक्स बंद है, मिस्टर DIY भी बंद है, ये दोनों चीज़ें बंद हैं। हमें लगा कि शायद खुलेगा ही नहीं, बंद हो गया। अभी मैक्स और वो बंद है DIY, तो अभी हम लोग मम्मी वॉशरूम जा रही है। तो ये देखो आज बच्चे आए हुए हैं मॉल में। अभी पता है क्या हुआ गाइस, मेरा ना ऐसे दिमाग ख़राब होता है कभी कभी, लिटरली मेरा मूड क्या ऐसी तैसी हो गई है। क्या हुआ, मैं वो शूट करी थी ना कि DIY और वो बंद है मैक्स, तो बोलता है वहाँ पे एक अंकल थे, बोलते हैं कि शूट मत करो, अलाउड नहीं है। अरे मॉल में क्यों अलाउड नहीं है, मॉल में शूट नहीं कर सकते? तो कहते हैं कि आप शूट मत करो, अलाउड नहीं है ये वो। मैंने कहा सर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम मॉल में शूट नहीं कर सकते? बोलते हैं आपने परमिशन ली। किस बात की परमिशन भाई, मॉल में कौन परमिशन लेता है? और ये, और मतलब मैंने उनको समझाई, मैंने कहा मैंने सिर्फ ये बोला कि हम लोग जल्दी आ गए हैं और अभी खुला नहीं है मैक्स और वो DIY। नहीं आप शूट पर चिल्लाने लगे, मैंने कहा आप चिल्लाओ मत मुझे, मतलब मेरी बहस होगी तगड़ी करके। अपसेट हो गई मैं। मम्मा
कैसा मूड है, खराब हो गया मूड। सच में यार कुछ भी करते हैं लोग। दिखाऊं तुम्हें वो आदमी का है, वो आदमी जो वाइट कलर और ब्लू पैंट में है ना, वो उनसे क्या करना है मम्मी, चलना है यहाँ से, चलते हैं ना 18 लेके चलते हैं तुम्हें जीआई पे चलते हैं। मेरा मन भी नहीं कर रहा यहाँ से कुछ खरीदने का। मम्मी चलो ना, चलो देखना प्लीज। क्यों फाइनली ओपन हो गया है। स्कूल में है क्या हम, जो तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी हमें। अम्मी बड़ा इंसान भी बदतमीजी नहीं कर सकता किसी से, ठीक है। गाइस मैं वहाँ के स्टाफ से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी, मतलब उन्होंने हद कर दी थी। अब वो बस पीछे ही पड़ गए थे वो अंकल और वो गार्ड भैया कि नहीं आप शूट मत करो, नहीं आप शूट। उस मॉल में 10 बार वीडियोज बना चुकी हूँ मैं, 10 बार राही के साथ पीछे आई तब भी मैंने ब्लॉग शूट किया था वो, बस मैंने आप अपलोड नहीं किया, मुझे इतना खास नहीं लगा कि वो अपलोड करूँ मैं, ठीक है। उसके बावजूद उन अंकल ने मुझे इतना इरिटेट कर दिया ना कि मुझे, मैंने उनसे कहा मम्मी यहाँ से लेना ही नहीं है कुछ, अब चल लो यहाँ से। मम्मी कह नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं मम्मी अब चलो, मेट्रो पकड़ के 18 GIP से लेंगे, GIP में मैक्स है। अरे हद तो होती है भाई किसी चीज़ की, तो किसी के पीछे वो बंदा खुद शूट कर रहे हैं, जो वो स्कूल के बच्चे आए हैं उनका कुछ शूट कर रहा है वो अपने कैमरा से, वो नहीं है अलाउड। मतलब तुम कर रहे हो, तुम बड़े हो तो तुम सही हो, हम कर रहे हैं तो हम गलत हो गए, तुमसे परमिशन ले हम, हद हो गई है। अब हम 18 जा रहे हैं। स्लाइट चेंज इन द प्लान, मैंने देखा कि सामने पैसिफिक है यार, पैसिफिक से भी तो ले सकते हैं, तो हम लोग पैसिफिक आ गए हो। मम्मी का मूड ऑफ हो चुका है मेरी वजह से। मम्मी कहती है आज सुबह सुबह मैंने किसकी शक्ल देखी थी, कह रही तेरी तो देखी थी। उन्होंने मुझे फिर दोबारा रोस्ट किया, मेरी मम्मी मुझे बहुत रोस्ट करती है। मिस्टर DIY इधर भी है, स्टूडियो भी है, अगर मैक्स में नहीं हो, मैक्स नहीं हुआ यहाँ पे तो हम स्टूडियो से ले लेंगे कुछ। मम्मा इसका एम्बियंस भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत टाइम बाद आई हूँ। मेकअप शेकअप चल रहा है लड़कियों का, डेंटिंग पेंटिंग चल रही है, अच्छा है ये भी। चले डिया भाई बोरा सामने हाँ? चलो हम, अब हम लोग DIY में आ गए, हमारा स्टूडियो का हो गया सारा। हम ढूंढ रहे हैं कि क्या लेना है, मम्मा देख रही हैं। अच्छा लगता है मुझे DIY बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ना बहुत रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ें मिल जाती हैं और अच्छी मिलती हैं, सब कुछ बहुत प्यारा प्यारा, स्टेशनरी बहुत अच्छी मिलती है इधर, देखो बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं। लड़कियों के लिए ज़्यादा चीज़ें हैं, बॉयज़ का कलेक्शन कम है ऐसे हर स्टोर में लड़कियों के लिए ज़्यादा ही होता है। तो अभी मम्मा गायब हो चुकी है, मम्मा कहाँ चली गई, मम्मा वो दी हो गया, मम्मा क्या हो गया, चले ऐसे हमने ले लिया जो हमें लेना था। स्टूडियो
तो गाइस हमने सामान ले लिया है, अब हम जा रहे हैं घर। और एक सैड न्यूज़, एज यूजुअल आज का दिन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे फ़ोन में बस 1% बैटरी बची है और अब मैं पता नहीं कैसे शूट करूँगी, शायद घर जाके ही शूट करूँ सीधा। हम लोग बस घर जा रहे हैं, हमारा सारा सामान हो गया है। हम लोग आ गए हैं, अब शास्त्रा को लेने, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी तो मैं मम्मी के फ़ोन से शूट कर रही हूँ। और मम्मी का कैमरा आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल चेंज हो चुका है। और हम लोग शास्त्रा को स्कूल से लेने आए हैं क्योंकि 2 बजे गए थे, सोचा कि उन्हें अंकल कैसे बैठे हैं पीछे, हम सोचा कि उन्हें लेके ही चलेंगे घर, ठीक है कि चाय मांगनी है। तो गाइस मैं मम्मी से रिव्यू लेने वाली हूँ कि आज का दिन कैसा था, ठीक है। तो मम्मा कैसा था आज का दिन? हमारा बहुत अच्छा था, उसके बाद तुमने झगड़ा करा ना, पता मुझे बहुत बुरा हो गया। आज का दिन हमारा ओवरऑल बकवास था, बहुत ज़्यादा बकवास। पहले बस पकड़ी हमने, उसको बहुत अच्छा हो गया, हमने आगे समोसे गए, छोले भटूरे गए, 2 हफ्ता हमने गए, मैंने एक गया, मैं डाइटिंग पर हूँ, हफ्ता ज़्यादा डाइटिंग पर, डाइटिंग वाले समोसे हफ्ता भी डाइटिंग वाले समोसे छोटे पे हमने चार से दरा जाने का टाइम हो गया है। डाकू इन द हाउस बेबी, डाकू इज़ बैक, गब्बर इज़ बैक होता है यहाँ, डाकू इज़ बैक। मेरे पैसे टूट गए, किराए में लगा दिए, सारे पैसे 80 रुपये जाने गए, वहाँ तो फ्री में आए, कम अल्लाह का शुक्र रहा। अल्हम्दुलिल्लाह कह दो इसी बात, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा स्कूल है, मैं इस स्कूल में पढ़ी हूँ फर्स्ट से लेकर 12th तक। वाले से बात करते हैं, मम्मा हमारी, मैं रिक्शा में वेट कर रही हूँ और मम्मा उन्हें लेने चली गई है पीछे से, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ हो रही थी, तो मैं रिक्शा कर लिया, रिक्शे में वेट कर रही हूँ मैं, वो लोग आएंगे भी थोड़ी देर में। मैं मिस करती हूँ अपने स्कूल को यार, मज़ा आता था बहुत। चलो बाय। कैसा था दिन शायद? बढ़िया। ये लप्पू सा शायद है। तो हम लोग घर जा रहे हैं, घर जाके बताती हूँ मैं आस पास से। हम लोग बाहर शॉपिंग क्यों नहीं की ये बताओ, भाई तेरी दाढ़ी है। तो हम आ गए हैं फाइनली घर, मम्मी और मैं। वैसे आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और मैं थक गई थी, तो फिर मैं व्लॉग शूट नहीं किया, मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी, तो फिर मैं अब दोबारा से फ़ोन चार्ज करके दोबारा से अपने फ़ोन से शूट कर रही हूँ। तो हाँ, कैसा लगा व्लॉग बताना मेरे को कमेंट करके, और आपका फेवरेट पार्ट क्या था वो भी बताना, और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को जिसने नहीं करा है, और हाँ बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।